Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Radhya Classes. Here we are with the solution of CBSE board exam of physics. Section A ka solution humne kara hai, har ek set ka solution batayenge. Abhi chalte hain first set pe. The code number is 5521 aur is 5521 ke questions aapke sath screen pe aate jayenge, un questions ka answer hum batayenge. This is first question hai hamare paas. A cell of internal resistance R connected across external resistance capital R can supply maximum current. Iska current maximum kab hua? Ab dekho kya tha, external resistance humare ko R de rakha hai, battery ki EMF E de rakhi hai, internal resistance स्मॉल आर दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस विल बिकम आर प्लस आर, ईएमएफ ई थी, हमारे पास करंट आ गया। इसको करंट को मैक्सिमम करना, डिनोमिनेटर छोटा सा छोटा होना चाहिए, और इसको छोटा करने के लिए हमारे को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसको मिनिमम करने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो आंसर इज डी, आर इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आर इज इक्वल टू जीरो। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी अपॉन इज करंट पर यूनिट एरिया, ई ए अपॉन में आई। नाउ ई इज वी बाय एल आई ए, और V by I क्या बन जाएगा हमारे पास, R A upon में L, resistance is rho L by A into में A by L, ये cancel हो गए, answer क्या आ जाएगा आपका, resistivity, answer is A resistivity, ठीक। Now question number third, an electron is released from rest in a region of uniform electric and magnetic field acting parallel to each other, the electron will, answer is move in a straight line. Why move in a straight line? Because electric field की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। As it is parallel to the magnetic field, the force due to magnetic field will be zero. तो इसका आंसर क्या होगा? Motion in a straight line. Now, above Curie temperature, Curie temperature is that temperature at which ferromagnetic substance convert into paramagnetic substance. उनका domain structure टूटना शुरू हो जाता है, वो paramagnetic में से convert होना शुरू हो जाते हैं। तो आंसर इज ferromagnetic become paramagnetic. Displacement current, Maxwell के according displacement current कब आएगा? जब electric field का change होगा। तो answer is A, electric field is changing. Question number 6th, electromagnetic waves used as diagnostic tool in medicine. इनमें से कौन सी होती है हमारे पास? X-rays. X-rays are used as diagnostic tool in medicines. ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एट इक्विलिब्रियम, नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मींस दैट नेट करंट इज जीरो, नेट करंट जीरो होने का मतलब डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट, इन अ पीएन जंक्शन डायोड एट इक्विलिब्रियम द डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस नेट करंट इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 8th, इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस डोनर टाइप इंप्योरिटी, डोनर एनर्जी लेवल लाई जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, तो आंसर इज बी, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। क्वेश्चन नंबर 9th, व्हेन टू न्यूक्लियाई, अब ए लेस देन इक्वल टू 10, अब ए लेस देन इक्वल टू 10 है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, अभी दो बाइंडिंग न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन के जब फ्यूजन के बाद हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज न्यूक्लियस बिकम मोर स्टेबल, तो आंसर इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस। Now, in a beta minus decay, beta minus decay में क्या होगा? If a nucleus has excess number of neutrons, it will convert into the protons. The process of converting neutron into protons is called beta minus decay, and it do so with the emission of antineutrino. So answer is A, neutron convert into proton emitting antineutrino. एमसीक्यूज के ऑप्शंस आपको पता चल गए, अब हम चलते हैं अपने वन मार्क क्वेश्चंस पे। वन मार्क क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे को फ्लक्स दे रखा है लीविंग द सरफेस एंड एंटरिंग द सरफेस, वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नेट फ्लक्स होता है वो फ्लक्स किसके इक्वल होगा, फाइ इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, तो चार्ज विल बिकम 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू नेट फ्लक्स आएगा, दिस को ध्यान रखना नेट फ्लक्स, एंड द नेट फ्लक्स इज क्यू 1 माइनस क्यू 2, क्योंकि एक एंटर कर रहा है और एक लीव कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा हमारे पास, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू 1 फाइ 1 माइनस फाइ 2। ठीक। नाउ 12th क्वेश्चन, 5 लैम्डा बाय डी पे कौन सी डार्क फ्रिंज बनती है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज लैम्डा बाय 2, थर्ड और सेकंड कहां पे होगी, 3 लैम्डा बाय 2, तो थर्ड कहां पे होगी हमारे पास, 5 लैम्डा बाय 2, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, द थर्ड डार्क फ्रिंज विल बी एट द एट दिस पॉइंट, आंसर इज थर्ड डार्क फ्रिंज। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, 13 में हमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है उसकी, 2 म्यू साइन थीटा बाय लैम्डा, अगर हमने रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाना है तो हमारे को लैम्डा को कम करना पड़ेगा, वी हैव टू डिक्रीज लैम्डा फॉर दैट, द लाइट द वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी डिक्रीज्ड, उसको कम करना पड़ेगा हमारे को। नाउ अनपोलराइज लाइट, भविष्य लोगों ने बताया था भी हमारे पास अनपोलराइज लाइट जो होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी पोलराइज हो जाएगी व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, तो आंसर इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल, नेक्स्ट आंसर क्या हमारे पास, नॉर्मल और परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 15th, आउट ऑफ रेड ब्लू एंड येलो द स्कैटरिंग एंगल द स्कैटरिंग ऑफ डैश इज लाइट इज मैक्सिमम, आंसर इज ब्लू, क्यों होती है ब्लू की स्कैटरिंग मैक्सिमम, बिकॉज ऑफ लीस्ट वेवलेंथ।
क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 16th पे, 16th में जाएंगे हमारे पास. 16th में क्वेश्चन है द इंपेडेंस ऑफ रेजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट. सीरीज एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी रेजोनेंस व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी. और एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होगा तो मतलब जेड किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, आर के. जेड इज इक्वल टू आर. ठीक. 17th क्वेश्चन. अब बे ट्रिकी क्वेश्चंस. मोस्टली एमएफ का क्वेश्चन है. बीएलवी इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी तब बीएलवी. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द रोड. तो इसका मतलब यहां पे मोस्टली एमएफ कितनी हो जाएगी हमारे पास, जीरो. द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. ठीक. नाउ ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट था तो ईएमएफ इंड्यूस कैसे निकलेंगे हमारे पास, इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी. बट फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होता है. इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. नाउ 19th, what is the wavelength of photon of energy 3.3 into 10 raised to power minus 19. Calculation अपने आप कर सकते हैं. एनर्जी का फॉर्मूला एच म्यू. म्यू इज सी बाई लैमडा. वेवलेंथ इज एच सी अपोन में एनर्जी. सब कुछ गिवन था. एनर्जी इज गिवन 3.3 into 10 raised to power minus 19. एच इज 6.6 into 10 raised to power minus 34. एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8. दिस इज द 19th क्वेश्चन. Now 20th question, define the term threshold frequency in photoelectric emission. Threshold frequency is that frequency below which there is no photoelectric emission. जिसके नीचे photoelectrons बाहर नहीं आते. और it is the minimum frequency below which the photoelectric current is zero. Here we are with the first set one solutions. Set two solutions आपको next video में मिलेंगे. फिर उसके बाद set three पे चलते हैं हमारे पास. Section A के solution है हर एक set के हमारे पास.